वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लॉन के लोकल मार्केट से लिए हुए 3-पीस सूट के ड्रेस डिजाइनिंग। आप लोग मतलब मोस्टली मैं जो वीडियोस में कपड़े पहननी होती हूँ मैंने उनके डिजाइन नहीं दिखाए हुए थे। आप लोग इतने कमेंट्स आ रहे थे कि जो वीडियो में पहनती है वो भी हमें दिखाया करें शॉपिंग करते हुए। और ये भी मैंने एक वीडियो में पहना था, तो आप लोगों ने मुझे इतनी रिक्वेस्ट की कि आप इसकी भी डिजाइनिंग शेयर करें। लोकल मार्केट से लिए हुए बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त लॉन के इकोनॉमिकल बजट फ्रेंडली सूट्स हैं जिनकी डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी ऐसे डिज़ाइंस जो आप घर में आराम से हाउसवाइफ्स या बच्चियाँ या यंग लड़कियाँ यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ जो हैं वो पहन सकती हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जी जनाब, बात करते हैं ड्रेस डिज़ाइनिंग पे। ये भी मैंने लोकल मार्केट से लिया हुआ था। और मैं पहले बता दूँ, मेरे चैनल पे वीडियो है, मैं उसका लिंक भी लगा दूँगी और थंबनेल भी यहाँ पे लगा देती हूँ, यहाँ से जहाँ से मैंने ये कपड़े लिए थे। ये बहुत ही लाइट सा फैब्रिक है लॉन का, उसके ऊपर बहुत ही बारीक धागा, सफ़ेद धागे की जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और ये मैंने जो है वो 3-पीस लिया था, लेकिन इसके जो दुपट्टा था ना उसकी भी मैंने शर्ट बनवा ली, उसकी मैंने अपनी बेटी की बनवा ली। खैर, इसके साथ मैं वाइट दुपट्टा लेती हूँ। अच्छा, ये शर्ट अगर हम इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की बात करें तो इसका बोट शेप है, लेकिन ये ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। फ्रंट पे जो है वो मैंने बटन्स लगाए हैं, बारीक सी जो होती है ना जिग जैग वाली घिंगरी वाली डोरी आपने देखी होगी, ये लगाई है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताती हूँ। जो फ्रंट पे आपको पैनल नज़र आ रहा है ना कढ़ाई का, ये शर्ट का फ्रंट था। और साइड पे जो आपको पैनल्स लगे नज़र आ रहे हैं ना वो छोटी छोटी बूटियों वाले, ये जो था शर्ट की बैक थी और बाजू थे। मैंने देखे क्या किया इसको, जस्ट एक डिज़ाइनर लुक देने के लिए कि मैंने फ्रंट में जो पैनल लगा हुआ है ना, जो कि शर्ट का फ्रंट था, उसको मैंने फ्रंट पैनल में लगवा दिया और मैंने उसको बाजुओं पे लगवा दिया कपड़ा, ठीक है। और जो बैक थी शर्ट की उसको मैंने साइड्स के पैनल लगा दिए, ठीक है। अब आपको ये दिखने में ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि ये जो है ये क्या, ये तो इस तरह का था, मतलब फ्रंट से जो है वो फ्रंट वाला हिस्सा जो है इन्होंने इस तरह से मर्ज कर लिया फ्रंट पैनल पे और बाजुओं पे। और आप ये देखें कितनी इसकी खूबसूरत जो है ना वो एक क्लासी सी लुक आ रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके साथ स्ट्रेट ट्राउज़र है, 7 इंच का पांचा है। मैं जो उसकी हैमिंग कराती हूँ ना, चौड़ा पांचा अंदर से और लेड़ा हुआ होता है मेरा, ठीक है। अच्छा, बैक बिल्कुल प्लेन है, कोई कुछ नहीं लगाया हुआ, क्योंकि मैंने इसके एम्ब्रॉयडरी के साथ प्ले किया है, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी फ्रंट इसका हैवी था, उसको मैंने किस तरह कट्स में ला के एक जो है वो बहुत ही कहते हैं ना ट्रेंडी सी लुक दे दी है। आई होप कि आपको ये आइडिया अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग भी ऐसे कपड़े लेके आते हो फिर आप मुझे कहते हो कि अभी हमें समझ नहीं आती, हम कपड़े ले तो आते लेकिन समझ ही नहीं आती इनको डिज़ाइन कैसे करें। तो ये मैं आपको बहुत ही जो है ना इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ और डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी अपने साथ जो है अपने कपड़ों के साथ ये एक्सपेरिमेंट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, आप इसकी शर्ट छोटी रखवाना चाहें तो आप रखवा सकते हैं, लेकिन आई लाइक लॉन्ग शर्ट्स। ऐसी बात नहीं है कि मैं शॉर्ट नहीं पहनती, बट मोस्टली आई प्रेफर लॉन्ग शर्ट्स, तो इसलिए मैं लॉन्ग शर्ट ही पहनती हूँ। अब ये देखें, लॉन्ग में मुझे लगता है कि ज़्यादा आपकी स्लिम एंड स्मार्ट लुक आती है। और दुपट्टे का पूछे थे कि आप ये अब 3 मीटर दुपट्टा लेती हैं, वो तो बहुत लंबा था। अब ये देखें कितना छोटा सा दुपट्टा है। अब ये वाला देखें, ये 3 मीटर का दुपट्टा, वो मैंने बना बनाया बाज़ार से ख़रीदा था, लोकल मार्केट से ही, इसको मैंने खुद बनवाया है, गोटा लगवाया था। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ कि ये लॉन्ग दुपट्टा है ना, तो इससे भी बड़ी ना जो आपकी ना एक ग्रेसफुल सी लुक आती है, ठीक हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। अच्छा, ये भी लाइट एम्ब्रॉयडरी वाले सूट है, मतलब धागा इतना बारीक है कि बहुत ही हल्के सूट हैं। और यस, आप लोग कहते हैं कि लोकल मार्केट के कपड़े ख़राब तो नहीं होते, ये मेरे पिछले साल के सूट हैं जो मैं आपको इस साल शेयर कर रही हूँ, और ये मैंने बहुत पहने हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक हैं, कोई इनका कलर ख़राब नहीं हुआ ना कपड़ा। बोट शेप नेक है और इसके फ्रंट पर मैंने इस तरह से लूप्स लगवा दिए थे। अब ये एम्ब्रॉयडरी इसके बॉर्डर की थी, ठीक है, फुल बॉर्डर की, और बाजुओं के आगे जो है ये एम्ब्रॉयडरी के पैच थे जो आपको फ्रंट पैनल में नज़र आ रहे हैं। मैंने क्या किया कि जो बॉर्डर था उसको इस तरह से सेट किया कि मिडल पैनल आ गया, फ्रंट से मैंने इसको ओपन शर्ट कर दी, साइड्स पे जो आपको बूटियों वाला कपड़ा नजर आ रहा है ये कपड़ा मैंने उसको साइड पैनल्स पे और उसकी बैक बनवा ली। और जो बॉर्डर था शर्ट का, जो एक मतलब एक आम जो चीज है, उसको मैंने थोड़ा सा हट के बना लिया कि वो बॉर्डर मैंने मिडल जो पैनल है उस पर शिफ्ट कर दिया। बॉक्स ट्राउजर है जिसका पांचा 15 इंचेस है, नीचे शटर लेस लगवा ली, ऑफ वाइट कलर है। ऑफ वाइट का कलर मुझे ज्यादा ग्रेसफुल लगता है, व्हाइट में मुझे लगता है वो ग्रेस नहीं आती। सो ये थी इसकी डिटेल।
अब हम बात करेंगे हाउसवाइफ से रिलेटेड. मैं भी हाउसवाइफ हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, घर को साफ रखती हूँ. आप लोग मुझे जब मैं अपनी रूटीन व्लॉग्स शेयर किया करती थी तो आप मुझे बहुत कमेंट्स किया करते थे. अभी भी उन पर जो व्यूज़ आते हैं आप लोग देखते हैं और मुझे कमेंट आते हैं कि आप किस तरह इतनी साफ़ सुथरी खुश खुश रहती हैं घर में. देखो घर को साफ़ रखना, आप अपने बच्चों को साफ़ रखते हैं, नहलाना धुलाना, उनको नीट एंड क्लीन रखना, घर को ऑर्गेनाइज रखना, सब कुछ करते हो. लेकिन क्या करते हो आप, अपनी आप को जब भूल जाते हो ना, खुद को आप साफ़ नहीं रखते हो. जब आप खुद को सेल्फ आपकी जो है ना वो क्लीनिंग नहीं होगी, आप कपड़े अच्छे नहीं पहनोगे, डेली नहाओगे नहीं, तो आप फ्रेश नहीं फील करोगे. ठीक है, आप अपने घर को उस तरह से नहीं फील कर पाओगे जब आप खुद फ्रेश नहीं हो, जितना भी साफ कर लो उसको. देखिए आपके घर को भी आप साफ सुथरे चाहिए हैं. ठीक है, आप साफ सुथरे रहेंगे जब टिप टॉप रहेंगे तो ऑब्वियसली घर का माहौल अच्छा लगता है. ठीक है, अच्छा रहता है, वाइब्स अच्छी आती हैं, मतलब एक ना एक माहौल ही अलग होता है. अगर आप गंदे मंदे रहेंगे तो आपके बच्चों को भी आदत बन जाएगी, भाई हमारी मम्मा तो ऐसे ही रहती हैं. ठीक है, या आप फ्यूचर में मम्मा बनने वाली हैं या सबने बनना है, शादियाँ होनी हैं. खैर उसके अलावा मतलब आप जब बच्चों को ये आदत डाल देते हैं ना, अब मेरे बच्चों को आदत है, एक टाइम होता है दोपहर में खाना बनाया, सब कुछ किया, घर के काम हो गए, सफाइयाँ होगी, सारे काम हो गए, उसके बाद डेली मैं बाथ लेती हूँ, डेली मैंने कपड़े चेंज करने होते हैं. मेरे बच्चों को पता किसी दिन अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब ऐसा होता नहीं है, तबीयत ठीक में तो ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, और मतलब वो ये बुखार हुआ तो आप नहा लो तो समझो आपका आधा बुखार उतर जाता है. तो मेरे बच्चे कहते मामा आपने अभी तक चेंज नहीं किया, मतलब मेरी जहरा छोटी बेटी जो है वो कहेगी मामा आपने अभी तक चेंज नहीं किया, आप नहा ही नहीं है मामा, हम तो फ्लैश हो गए. तो मतलब ये सीन है कि आप लोगों ने क्या करना है कि किसी के कहने की ज़रूरत ना पड़े आपको. और आप ये मत सोचा करें कि यार मुझे कोई कहेगा तो मैं साफ़ सुथरी, मुझे तो कोई कहता ही नहीं है कि अच्छे कपड़े पहनो. आप खुद हैं अपने लिए, आप खुद को ये कह सकते हैं कि भाई मुझे टिप टॉप रहना है, मुझे साफ़ सुथरा रहना है. ये मैं नहीं कहती कि हर वक्त आप मेकअप करके बैठो, लेकिन अच्छे साफ़ सुथरे से कपड़े पहनो तो आप अच्छे लगोगे, खुश रहोगे, आप अच्छा अच्छा सोचोगे. आप नहाओ, नहाने के बाद आप पूरी बॉडी पे लोशन लगाओ, आप परफ्यूम लगाओ, साफ़ सुथरे. मैं नहीं कहती कि आप बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनो. आपके साथ जो मैंने ड्रेसेस शेयर किए हैं वो इसीलिए शेयर किए हैं कि मतलब ऐसे कपड़े आप आराम से घर में पहन सकते हैं. अब चार पाँच ही हों कपड़े, ये नहीं कि डेली आपने नया जोड़ा पहनना है, चार पाँच भी हों तो दे आर मोर देन इनफ. उनको आप वॉश करके और जो है बार बार पहन सकते हैं. वीकली आप उनको वो के जैसे मेन्यू बनाते हैं खाने का, तो आप कपड़ों का भी बना लें. आ जाए वापस, आ जाए ड्रेस डिजाइनिंग की भी बात कर लेते हैं. ये फातिमा का ईद का था, आप लोग कह रहे थे कि फातिमा के ईद के ड्रेस की डिटेल्स शेयर कर दें. ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था फुल ड्रेस, 5 मीटर जो मिलता है. ठीक है, इसकी मैंने शॉर्ट शर्ट रखवाई थी जो कि 35 इंचज की थी, और इसकी जो बाजू है और गले पे जो है वो मैंने बारीक सी गोटी लगवाई थी, और गोल्डन कपड़ा मैंने अलग से 1 मीटर लिया था इस तरह से एजिंग बाजू के अंदर, और शर्ट के जो है वो चॉक्स पे और क्या कहते हैं उसको दामन के अंदर ना ये 2.5-2.5 इंच की लगी हुई है चौड़ी वाली. इससे बड़ी जो है ना वो डिज़ाइनर और बड़ी क्लासी वाली लुक आती है, बड़ी प्रोफेशनल सी लुक आती है. ठीक है, ये शॉर्ट शर्ट होगी. साथ इसके मैंने बनवाया था प्लाजो पैंट्स जो थे वो पैनल्स में सिले हुए थे, और नीचे से आग जाके जो थोड़ा ब्रॉड हो रहे थे, और उसका पांचा था 30 इंचज़ का. ठीक है, बैक पे इस तरह से बटन टेक, उस पर गोल्डन डोरी लगवा ली मैंने, सॉरी गोटी लगी हुई है, और सिंपल सा सूट था लेकिन बहुत पसंद आया सबको ईद पे. तो वही देखे कि सारी जो है ना आपने वो है कि लोकल मार्केट से ख़रीदा हुआ कपड़ा आपने डिज़ाइनिंग करनी है, दैट्स इट. साथ दुपट्टा और ऑर्गेंजा का मैंने ले लिया मल्टी शेडेड, और ये बहुत अच्छा लग रहा था. आप लोग भी ज़रूर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा. और ये देखिए ट्राउज़र ऐसा इसका है, उसकी बड़ी अच्छी फॉल आ रही थी, बड़ा मतलब ये टीनेज गर्ल्स भी पहन सकती हैं, यंग गर्ल्स भी पहन सकती हैं. ये छोटे छोटे मैसेजेस हैं जो हमने अपने आप को खुद देने होते हैं. अगर आप खुद खुश हैं ना तो सब खुश हैं. अगर आपका घर सब साफ सुथरा है, आप खुश ही नहीं हैं, तो आपको अच्छी वाइब्स ही नहीं आएंगी, आपके बच्चे भी डाउन फील करेंगे. माँ का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, माँ का खुश रहना, माँ का मतलब एक कहते हैं ना कि माँ में से अच्छी वाइब्स आना बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और उन बच्चों का कॉन्फिडेंस ही और होता है जिनकी माएँ साफ़ सुथरी रहती हैं, जिनकी माएँ कॉन्फिडेंट होती हैं, जिनकी माएँ हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड रखती हैं. आई नो आप मुझसे ज़्यादा मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, मुझसे ज़्यादा समझदार होंगे, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ टिप्स जो मैं देना चाहती थी. चलें जी, ये था जारू का ड्रेस जो कि मैंने शर्ट पीस लिया था, इसकी भी मैंने शॉर्ट शर्ट और सेम वही डिज़ाइन रखवाया जो फातिमा का रखवाया था, बस इसका स्लीवलेस है और गोटी जिस तरह से आपको दिख रहा है वी शेप में डबल मैंने लगवा दी स्लीवलेस
जो वो कंधा है उस पर लगवा दी, और ये बहुत प्यारा सूट था। ये भी मैंने लाल कुर्ती से ही लिया था, जिसकी मैंने वीडियो अभी लास्ट शेयर की है, वो भी आप देख लीजिएगा, पेपर लॉन पे है। बहुत प्यारा क्यूट सा कलर था, मुझे लगा जहरा को बहुत अच्छा लगेगा। और इसके पांचे भी इस तरह 4-4 लाइन्स गोटे की लगवा ली, और इस तरह से सादे से कपड़े को जो है वो थोड़ा सा चीज़ें लेसेस वगैरह बटन्स वगैरह लगा के एनहांस करेंगे तो वो बहुत प्यारा लगता है। साथ इसके मैंने दुपट्टा डाई करा लिया था, शॉर्ट्स में भी मैंने शेयर किया, आप उधर से भी देख सकते हैं जाके डिटेल्स। और छोटी सी पोटली बनवा ली थी। तो यही था ज़ारा के सूट की डिज़ाइनिंग की डिटेल्स। आई होप आपको ये भी पसंद आया होगा। आज मेरी वीडियो के जो डिज़ाइन है ना वो मिक्स एंड मैच है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जैसे मैंने आपको ज़हरा के ड्रेस की डिटेल्स दिखाई हैं, डिज़ाइनिंग दिखाई हैं, ये आप किसी भी एज पर बना सकते हो, टीनएजर्स के लिए बना सकते हो, आप 20s में हो, 30s में हो, मैं तो कहती हूँ जिस मर्जी एज में बना लो यार, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी, बस लव योर सेल्फ एंड बहुत ख्याल रखा करो अपना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रूमिंग टिप्स, हाउसवाइफ से रिलेटेड, जिनकी शादियां होने वाली हैं उनसे रिलेटेड शेयर करूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और ड्रेस डिज़ाइनिंग समझ आ गई होगी। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।